बीएन मंडल स्टेडियम परिसर है, द्वितीय चरण का आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है। भारी मात्रा में जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीपीएससी के एग्जाम में क्वालिफाई किया, आज उन्हें नियुक्ति पत्र मिला है। उनके चेहरे पे मुस्कान है, वो खुशी से झूम रहे हैं और आज का दिन बिहार प्रदेश के लिए बड़ा दिन है। कई लाखों के संख्या में जो अभ्यर्थी है आज उन्हें नियुक्ति पत्र मिला है, ये हमारी सभी बहन है। और देखिए सभी के चेहरे पर मुस्कान है, अपने बारी का इंतजार करिए, कुछ ही देर के बाद इसे नियुक्ति पत्र मिलेगा, फिर स्कूल जाएंगी, बच्चों को पढ़ाएंगी। कहाँ से आप लोग आई हैं, क्या नाम हुआ? लक्ष्मी कुमारी। कहाँ से आई? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। मधुबनी से आई हैं नियुक्ति पत्र लेने के लिए। जी। कितने देर से खड़ी हैं? करीब एक डेढ़ घंटा से खड़े हैं यहाँ पे। कितना खुश है आज के दिन? है, खुश है। जब मिलेगा तो क्या, क्या कहेंगे बहन आज? क्या कहेंगे, बहुत खुश हैं। कहाँ से आई हैं? लखीसराय। लखीसराय से आई हैं। जी। नियुक्ति पत्र लेने के लिए। जी सर। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा कतार दिखा दीजिए किस तरीके से जो हमारी बहन यहाँ पे खड़ी है, और इस तरफ जो है कई जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीपीएससी के एग्जाम का रिजल्ट हुआ, आज वो नियुक्ति पत्र ले रही है। और भारी संख्या में बीएन मंडल स्टेडियम परिसर है और यहाँ पे ये जो है अपने बारी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शाहिन प्रवीण हुआ। कहाँ से आई? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से। औरंगाबाद से आ गई मधेपुरा। मिला कि नहीं मिला? अभी तक तो नहीं मिला सर, लाइन में लगे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। बहुत ना खुश है आज के दिन? आज बहुत खुश है क्योंकि मेरे पेरेंट्स आज मुझ पर बहुत प्राउड फील करेंगे, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से क्या कहेंगे? उनसे यही कहेंगे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोग को यहाँ इस जगह तक पहुँचाए, इस मुकाम तक पहुँचाए, इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तैयारी क्या है, कैसे कैसे बच्चों को फिर पढ़ाएंगे, फिर स्कूल जाएंगे? इसके लिए तो हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया, और पढ़ाने के लिए जहाँ रहे तो बहुत ईमानदारी से पढ़ाई होगी बच्चों के बीच में, और जितना अपने अभी तक हमारे बीच में नॉलेज है वो कोशिश करेंगे कि बच्चों के बीच में वो नॉलेज दे सकें, उस जो पढ़े बच्चों को बताएं। जी बिल्कुल। हाँ। जो भी पढ़े जो भी सीखे हम लोग वो चीज़ बच्चों के बीच में जरूर रखने की कोशिश करें। आज का दिन तो बड़ा खुशी का दिन है। बहुत खुशी के दिन है सर। कहाँ से आई हैं बहन? मेरा नाम फतुल कुमारी है, मुझे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। आज यहाँ नियुक्ति पत्र लेने आई हूँ मैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ और मैं लाइन में खड़ी हूँ, इंतजार कर रही हूँ। यस यस। अच्छा देखिए, ये सभी लोग इंतजार कर रही हैं। कहाँ से आई हैं बहन आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। कहाँ से? दिल्ली से आई हूँ। नाम क्या हुआ? काजल। दिल्ली से आ गई बिहार? हाँ, तो जॉब लगी तो आना ही पड़ेगा, क्या इशू है बिहार में? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। जॉब कहीं भी मिले तो करना तो है ही। हाँ। पूरा ठान के आई है? हाँ, तो मन बना के आए, तभी तो आए, नहीं मन बनाए होते तो नहीं आते। दिल्ली में रोजगार नहीं मिला तो मौके मौके वाली बात है ना। हाँ। मेरे पास क्वालिफिकेशन थी, मैंने फॉर्म भरा, मेरा हुआ तो मैंने दे दिया। हाँ। देखिए बहन दिल्ली से आई है, नाम क्या बताएं? काजल। नाम काजल है, दिल्ली से आई है, बेसब्री से इंतजार कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या कहेंगे, आज के दिन क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, थैंक यू सो मच, मुझे यहाँ पे मौका मिला जॉब करने का। हाँ। यही बस। दिल्ली की बेटी बिहार के स्कूल में पढ़ाएंगे? हाँ, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। हाँ। क्या प्रॉब्लम है पढ़ाने में, सबको क्या नाम है, उन बच्चों को भी तो हमारे जैसे टीचर मिलने चाहिए ना, जैसे दिल्ली में है। हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे भी बच्चे बराबर है, यहाँ पे भी बराबर है। हाँ। और भी स्टेट से यहाँ पे जैसे टीचर्स को लाया गया, तो अभी और बदलाव होगा फिर धीरे धीरे, तो चेंज तो अच्छा है ना, चेंज तो अच्छी बात है, नहीं अगर चेंज होता तो वो फिर बुरी बात थी। खुशी का इजहार कर रही है? हाँ, बस आज अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही हूँ कि आज कोई है नहीं यहाँ पे, बस मम्मी पापा कोई नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं है यहाँ, कोई नहीं है। हाँ, यहाँ पे कोई नहीं है, सब दिल्ली। देखिए दिल्ली के भी लोग बिहार आ गए हैं और मधेपुरा बीएन मंडल स्टेडियम परिसर में ये लोग इंतजार कर रही हैं। मिला कि नहीं मिला? जी सर, अभी तो नहीं मिला है, बस मिलने वाला है। हाँ जी, एकदम खुश है? हाँ जी, बहुत खुश है। कैसे आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत ही उत्साह के साथ कर रहे हैं, क्योंकि जो एक सपना होता है ना कि गरीब बच्चों को पढ़ाना, देन हम भी उसी बैकग्राउंड से ही है, गरीब फैमिली से ही है, हमारे मम्मी पापा भी मजदूर किसान ही है, तो उसी बैकग्राउंड से आए, देन बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुश है, अच्छा लग रहा है। चलिए, हर तरफ यही बात कही जा रही है कि बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज का दिन मेरी ज़िंदगी के लिए बड़ा ख़ास दिन है, बहुत अच्छा दिन है। आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है और द्वितीय चरण का यहाँ पे नियुक्ति पत्र मिला है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की सभी लोग तारीफ़ कर रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तारीफ़ कर रहे हैं, और भारी संख्या में जो हमारी बहन लोग है दूर प्रदेश से आ गई है, सब नियुक्ति पत्र लेने आई है, सब नवनियुक्त है, स्कूल जाएंगी, बच्चों को पढ़ाएंगी, तालीम देंगी, और सभी के चेहरे पर मुस्कान है क्योंकि आज मिल गया है नौकरी। बाकी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे, पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।